लेकिन थोड़े दिन में ही 4 से 6 महीने में वो स्टेज 3 से स्टेज 4 में कन्वर्ट होता ही है और फिर वो हाथ से ढकलने से भी अंदर नहीं जाता। आरोग्य जागृति। दर्शकों, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम बताना चाह रहे थे कि हर हमेशा हम एक विषय पे बात करते हैं। आज ऐसा विषय लेके आए आरोग्य जागृति जो पाइल्स जो बहुत ही कॉमन होते जा रहा है, इसकी वजह क्या है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर मिनियार सर से, जो MS सर्जन है, गोल्ड मेडलिस्ट है और बेमड़े हॉस्पिटल में कार्यरत है। इनका अनुभव हम इन्हीं से जानेंगे कि अपना विषय बहुत अच्छा है दोस्तों, इसे गौर से सुनिएगा। पाइल्स क्यों होता है, पाइल्स होने के कारण क्या है, पाइल्स होने के बाद हम कौन सा इलाज करते हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर मिनियार सर से। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। ये अच्छा एक उपक्रम आरोग्य जागृति की तरफ से हो रहा है, इसलिए मैं आरोग्य जागृति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, हमारा आज का विषय है पाइल्स। पाइल्स यानी मूलिया, जो लोगों में गैर समझ होता है कि पाइल्स के डेफिनेशन ही नहीं मालूम लोगों को, और इसके बारे में गैर समझ बहुत बढ़ रहा है। सर, ये पाइल्स क्यों होता है? पाइल्स में बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि कुछ लोगों को हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स रहते हैं, वहाँ के जो रेक्टल वेसल्स रहते हैं उनके वेसल वॉल्स, वहाँ का मस्कुलेचर थोड़ा सा कम कुवत रहता है, कमज़ोर रहता है, उसकी वजह से दैट इज़ वन रीज़न। दूसरा रीज़न है कि हम इरेक्ट पोस्चर वाले एनिमल्स है, मतलब दूसरे कोई भी एनिमल्स में पाइल्स जनरली नहीं होता है, हम खड़े रहते हैं, इसलिए ग्रेविटी की वजह से भी जो वेनस ड्रेनेज होना चाहिए वो होता नहीं है। तीसरा रहता है हार्ड स्टूल्स, स्ट्रेनिंग एट स्टूल्स, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल इवैक्यूएशन, ये सब चीज़ें, मतलब कॉन्स्टिपेशन बोल सकते या बद्धकोष्ठता बोल सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बार बार जोर लगा के या ज़्यादा टाइम बैठ के कमोड पे या जिस मोशन पास करते वक्त, तो जितनी देर ज़्यादा लगता है टाइम तो उतना पाइल्स होने के संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें एक्चुअली पेशेंट हमको बताते हैं कि मुझे पाइल्स की तकलीफ है, लेकिन इसमें 3 अलग अलग मेन डिविडिएशन है, जो कि फिशर एक रहता है, फिशुला रहता है और पाइल्स रहता है। तो पाइल्स में मेनली ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पेन नहीं रहता है, और फिशर इससे उल्टा रहता है, जिसमें ब्लीडिंग कम रहती है या नहीं रहती है लेकिन पेन बहुत ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली पाइल्स ये डायग्नोसिस है, लेकिन आपका तकलीफ डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। सर, अभी पाइल्स हो गया है, इसका सिम्टम्स क्या रहते हैं सर, लक्षण क्या क्या दिखते हैं? पाइल्स में बेसिकली सबसे मेन रहता है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा रहता है, एवरी मोशन जब भी मोशन पास करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में रहता है, जैसे 2-3 चम्मच से लेके आधा कप तक ब्लीडिंग एट ए टाइम विद एवरी मोशन पेशेंट पास करता है, और उसकी वजह से पेशेंट एनीमिक भी हो सकता है, मतलब उसके हीमोग्लोबिन भी कम होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण जो है पाइल्स का वो है ब्लीडिंग, जो मोशन करते हैं उसके साथ में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें पेन नहीं होता है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण रहता है। सर, अभी जैसे लोगों में ये पाइल्स हुआ है और ये ऐसा चीज़ है कि बताने में शर्म आती है, हाँ, ये पेशेंट लोग अंग पे निकालते हैं, तो ऐसे पेशेंट ने अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, वक्त पे नहीं बताया, तो अगला उसको क्या इसको सामना करना पड़ेगा बड़े बीमारी? देखो, पाइल्स में ग्रेड्स रहते हैं, डिग्रीज रहते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में जो है पाइल्स के कोम जो रहते हैं, जो उस लोग कॉमन टर्म्स में उसको कोम बोलते हैं, हम उसको पाइल मास बोलते हैं या हिमोराइडल टिश्यूज बोलते हैं, उसमें वो सिर्फ ब्लीडिंग होता है पेशेंट को, बाकी कुछ नहीं रहता है। सेकंड डिग्री में वो कोम जो है पाइल्स के मेनली 3 रहते हैं, वो थोड़े बाहर आते हैं,
और लैटरिन करने के बाद अपने आप अंदर जाते हैं। तीसरे स्टेज में पाइल मास बाहर आता है, लैटरिन करने के बाद अपने आप अंदर नहीं जाता, उसको ढकल के मैन्युअली वापस डालना पड़ता है। और 4 डिग्री ऐसी रहती है कि उसके बाद वो पाइल मास कंटिन्यूस बाहर ही रहता है, ढकलने से भी अंदर नहीं जाता है। ये हो गए डिग्रीज। जैसे जैसे आपका टाइम जाता है वैसे वैसे डिग्रीज बढ़ते जाते हैं, 1st डिग्री से 4th डिग्री तक जाता है। उसके बाद इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे थ्रोम्बोसिस हो सकता है, वो स्ट्रैंगुलेशन ऑफ पाइल्स बोलते हैं, उसमें नेक्रोसिस हो सकता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड ये हो सकता है वहाँ पे पाइल मास। और उसकी वजह से जो इजी ट्रीटमेंट या अच्छी ट्रीटमेंट, सादे ट्रीटमेंट से जो दुरुस्त हो सकता है, मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के मैनेजमेंट से काफ़ी हद तक पाइल्स को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। तो लोग अगर इसको आंख पे निकालते हैं या कुछ काउंटर मेडिसिन लेते हैं तो उसकी वजह से ये स्टेजेस धीमे 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 आगे बढ़ते हैं और उसको फिर ऑपरेशन के सिवाय दूसरा कोई पर्याय नहीं रहता है। और 1st डिग्री 2nd डिग्री में मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट है, कुछ नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स है, जैसे इंजेक्शंस दे सकते हैं, लेज़र का ट्रीटमेंट है, IRC बोल के है, क्रायो है, तो ये सब नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट बोल सकते हैं। इसको कुछ काट छाट नहीं रहती, कुछ तकलीफ नहीं होती पेशेंट को, OPD प्रोसीजर रहता है, बैंड लाइगेशन जैसी प्रोसीजर है। तो ये सब प्रोसीजर्स 1st और 2nd डिग्रीज में अपन पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन उससे आगे अगर जाता है पेशेंट का स्टेज तो हमको सर्जरी के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सर, काफ़ी लोगों में जैसे आपने बताया कि जो अंग बाहर आता है पुश करने से अंदर चल जाता है लैटरिन के बाद, ऐसे लोगों में काफ़ी संभ्रम में है, क्या हम बार बार करते हैं तो वो उनको सेटिस्फाई होता है, अगर ऐसे में कोई बड़ी ईजा हो, मतलब कोई तकलीफ बड़ी बढ़ सकती है क्या सर बार बार करने से भी? बार बार करने से जनरली कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़े दिन में ही 4 से 6 महीने में वो स्टेज 3 से स्टेज 4 में कन्वर्ट होता ही है और फिर वो हाथ से ढकलने से भी अंदर नहीं जाता है। तो उसमें ऐसा मैन्युअली रिपोजिट करने की वजह से पेशेंट को एडिशनल कुछ प्रॉब्लम आता है ऐसा नहीं होता। सर, अभी जो पाइल्स का जो ट्रीटमेंट है काफ़ी लोगों का है कि भाई काटना ही पड़ता है, ऐसा गैर समझ है, इसका सर ट्रीटमेंट मेडिसिन से भी हो सकता है या फिर ऑपरेशन करना ही इसका लास्ट ट्रीटमेंट? नहीं, 1st और 2nd डिग्रीज में हम मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट देना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये सब करके ही उसको काफ़ी हद तक अपन ट्रीट कर सकते हैं। और जो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट्स है उसमें जैसे कि क्रायो है, लेज़र है, इंजेक्शंस क्लेरोथेरेपी है, उसके बाद हम बैंड लाइगेशन कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट को कोई चीरफाड़ नहीं रहती है, सर्जिकल प्रोसीजर नहीं रहती है, टाके नहीं रहते हैं और पेशेंट वॉक इन एंड वॉक आउट रहता है, मतलब चलते आएगा और चलते तुरंत वापस जाएगा। तो ये नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट से 1st और 2nd डिग्री के जो हेमोराइड्स है वो काफ़ी हद तक अपन मैनेज कर सकते हैं। सर, जैसा भी आपने बताया कि सर्जरी होने के बाद पेशेंट को कितना दिन आराम करना पड़ता है, कि लोगों में गैर समझ ये होता है कि भाई ऑपरेशन हुआ तो मेरे को अभी 2-3 महीना आराम करना पड़ेगा, या फिर उसको प्रिकॉशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर सर्जरी का ऑप्शन पेशेंट को लगने वाला है उसमें एक स्टेपलर हेमोरॉयडेक्टॉमी है, ओपन टेक्निक है जो मिलिगन मॉर्गन, इट इज़ कॉल्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर पाइल्स, और डॉपलर गाइडेड हेमोरॉयडल आर्टरी लाइगेशन, नए टेक्निक्स और आए हैं, लेज़र ट्रीटमेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें मिलिगन मॉर्गन जो प्रोसीजर है नाउ वर्ल्ड वाइड दे आर एक्सेप्टेड एंड दे आर कंसिडरिंग इट एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर एनी 3rd और 4th डिग्री हेमोरॉइड्स। इसमें मैक्सिमम 2 दिन तक पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है,
एक या दो दिन तक उसको पेन होता है, डेफिनेटली थोड़ा पेन होता है। ओपन टेक्निक में थोड़ा ज़्यादा पेन की सिवेरिटी रहती है, और ये पेन की सिवेरिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर आदमी का अपना सहन शक्ति अलग अलग है, इसलिए कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, कुछ पेशेंट को कुछ भी वो कंप्लेन भी नहीं करते हैं। और ये सब प्रोसीजर होने के बाद दो दिन के बाद वो उसके काम को रिज्यूम कर सकता है। उसमें हम बाद में कुछ ड्रेसिंग के एडवाइजेस करते हैं, सीड्स बात बोल के रहता है, कुनकुने पानी में बैठना है टब में, दैट गिव्स वेरी एक्सलेंट पेन रिलीफ। सर अभी जैसे बताया कि ये आखिरी सवाल ये है कि 22 होना ही नहीं चाहिए, जैसे आपने इतने पेशेंट देखा है, इसमें क्या आपको ज़्यादा काय की वजह से होता है, खान पान होता है या फिर अल्कोहलिक रहते हैं, स्मोकिंग जो करते हैं, बैड हैबिट्स जो होते हैं, तो इसको 22 के ऊपर कुछ ये हो सकता है या फिर सिटिंग वर्क ज़्यादा है, ऐसे लोगों को 22 की ज़्यादा तकलीफ हो सकती है? तीन चीज़ें आदमी ने ध्यान में रखना चाहिए, एक है तुम्हारा शरीर, दूसरा है मन, और तीसरा है एडिक्शन। ये तीन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। शरीर के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट एंड डाइट इज इम्पॉर्टेंट। तुम्हारे शरीर के लिए दो चीज़ें ही लगती है, एक तो खाने की चीज़ें और दूसरा है एक्सरसाइज। मन जो है मतलब स्ट्रेस फैक्टर बोलते हैं हम उसको, स्ट्रेस फैक्टर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लाइफ स्टाइल उसकी वजह से ये स्ट्रेस फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी वजह से पूरे सिस्टम में पूरे शरीर पे उसका इफेक्ट होता है, और उसमें कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो वन ऑफ द स्ट्रेस आउटलेट इज कॉन्स्टिपेशन, किसी को बीपी होगा, किसी को शुगर होगा, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ट्रीटिंग ऑल दिस थिंग। हम इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अ वेरी डिफरेंट इशू, उसके लिए हम योगा मेडिटेशन एडवाइस करते हैं पेशेंट को, उसके एक्सपर्ट से वो ले सकते हैं उसके सजेशंस, और उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। तीसरा रहता है एडिक्शंस। एडिक्शंस में टोबैको है, स्मोकिंग, अल्कोहल, नॉन वेज ज़्यादा खाना, लेस फाइबर डाइट, जो फाइबर कम है जो डाइट में, जैसा आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स ये सब ज़्यादा खा रहे हैं, उसमें अभी बड़े लोग भी ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, मतलब मिडल एज पर्सन, 30-40 एज ग्रुप के लोग। मैं अभी ऐसे देखता हूँ कि 10 साल का बच्चा है और उसको कॉन्स्टिपेशन है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि उसके खान पान पे वो सिटिंग है। अभी तो पिछले 2 साल से सब ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सब हो गया है, तो उनका स्कूल जाना आना बंद हो गया है, घर पे बैठे रहे हैं, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वाटर इनटेक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, पानी कितना पी रहे हैं तुम, और फाइबर डाइट जो जितना खा सकते उतना अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है, उसमें सैलड्स है, स्प्राउट्स है, कड़धान्य है, ऑल सॉर्ट ऑफ फ्रूट्स है, जैसे कि कोई भी अपना मनुष्य का जो सॉरी अतड़ियाँ है वो वेजिटेरियन डाइट के लिए ज़्यादा बने हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने में गलत कुछ नहीं है, लेकिन अगर अति ज़्यादा है वो, उसमें फाइबर कम रहता है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हार्ट स्टूल्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, फिर उसकी वजह से पेशेंट स्ट्रेन करेगा, ज़्यादा देर लैटरिन में कमोड पे बैठेगा, तो उसकी वजह से फिर ये पाइल्स डेवलप ज़्यादा हो रहे हैं। At present almost 50% of the population they are suffering from constipation, और ये constipation धीमे धीमे फिर आगे piles में develop होगा या fissure में जाएगा या fistula जो भगेंदर बोलते हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ constipation की वजह से होते हैं। constipation और lifestyle के लिए तीनों चीज़ों पर काम करना पड़ता है, शरीर, मन और addiction। Thank you sir, काफ़ी हमारे दर्शकों का आपने मार्गदर्शन दिया है। सर हमारा एक अगला विषय रहेगा आपके साथ में कि कोरोना के ऊपर, पोस्ट कोविड और पाइल्स, ये क्या संबंध है, हम दर्शकों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डॉक्टर बिनिया सर से। क्या जैसा भी पोस्ट कोविड से काफ़ी डिसीज बढ़ रहे हैं, तो पोस्ट कोविड की वजह से पाइल्स के ऊपर क्या मतलब संबंध रहेगा,
कितना उसका इफेक्ट होता है स्टेरॉइड की वजह से, हम इससे बात करेंगे सर। धन्यवाद सर। आरोग्य जागृति।